Hi dear student, in last session we have discussed about the two chapters, that is kinetic theory of gases and radiation and thermodynamics, and we have tried to give the details information about these two chapters, and today we will start our new chapters, that is the structure of atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. Okay, so this structure of atoms and nuclei chapters is based on the atomic theory proposed by different scientists. It consists of the different atomic model which is given by the scientist Rutherford, Thomson, and it consists of the detailed information about the structure of atoms and nuclei, how these atoms form, how the structure of atoms, how the picture of structure of atoms appeared, how it is discovered. This is all gives the we will study in this chapters, that is structure of atoms and nuclei. Okay, so in a 5th century BC, the scientist Democritus and Leucippus proposed the first model for the atoms. They proposed that, Democritus and Leucippus proposed that the matter composed of the smallest indivisible particles. Matter composed of the smallest indivisible particle. What is the meaning of indivisible? Indivisible means it cannot be divided. It is unable to divide it. So this smallest particle called the atoms. This smallest particle called the atoms. After the Democritus and Leucippus, the Daltons, scientist Daltons, John Daltons proposed this atomic theory, and he proposed that the matter composed of the indestructible particles called the atoms. Called the atoms. And he also proposed that is the different composition of the atoms made up of the substance. जो एटम्स जो है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन से हम डिफरेंट एटम्स बनाते हैं, और एलिमेंट्स में जो एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं. इट इज एटम्स इन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल्स. एटम्स इन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था डाल्टन्स ने, जॉन्स डाल्टन्स ने, जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी इन अर्लियर 19th सेंचुरी. उसके बाद जो साइंटिस्ट जो है जे जे थॉम्सन, वो जे जे थॉम्सन ने अपना जो एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया है वो बेस था जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने क्या किया, परफॉर्म किया था, और उनको फैराडे को वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में एक पर्पल जो ग्लो है वो अपियर्स हुआ था. इट अपियर्स द पर्पल ग्लो, एंड दिस पर्पल ग्लो इज प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू द कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल. एंड इन 1897 में जो कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो अपियर्स हुए थे, दैट इज अ पर्पल ग्लो ड्यू टू द कैथोड चार्ज पार्टिकल, वो कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल थॉम्सन ने क्या कहा कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. और उसके बाद थॉम्सन जो है साइंटिस्ट जे जे थॉम्सन ने उसके बाद 1897 में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में 1887 दिया है, लेकिन 1897 में आपको करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट, 1897 में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ. और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड होने के बाद हर साइंटिस्ट ने फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया. उसमें साइंटिस्ट मिलिकन्स थे, विल्सन थे,
इस ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उनको डाउट आया कि एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन जो है, और थॉमसन ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ द एटम्स, जो पहले जो साइंटिस्ट ने कहा था, डाल्टन्स ने कहा था, और फर्स्ट साइंटिस्ट जो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस ने कहा था कि एटम इज अ इंडिविजिबल, मींस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा कि इट इज डिवाइडेड एंड इट इज इन दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इन्होंने क्या कहा कि एटम का डिवाइडेशन ही होता नहीं, लेकिन जे.जे. थॉमसन ने प्रूव किया है कि एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसका चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है। ओके, सो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, फिर डाउट क्या आया, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम्स, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स प्रपोज बाय द हाउ द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन अराइज हुए। ओके, सो होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इनसाइड द इलेक्ट्रॉन इट इज विथ द इलेक्ट्रॉन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर है एटम के इनसाइड में और एटम ये होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और फिर ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिया, और उन्होंने जो उनका जो मॉडल है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया है इन 1903, कई कई किताब में टेक्स्ट बुक्स में 1904 लिखा है, हमारे टेक्स्ट बुक्स में 1903 थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज दैट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज दैट द एटम्स होल एटम्स इज इन स्फेरिकल इन शेप, होल एटम इज इन स्फेरिकल इन शेप एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड इन इट, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड इन इट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल व्हाट इज द पिक्चर्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, दैट इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल ही सेज दैट द एटम इज इन स्फेरिकल इन शेप, एटम इज इन स्फेरिकल इन शेप इन विच द पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रॉन, 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 दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक प्लम्स, इलेक्ट्रॉन इज लाइक प्लम्स एंड होल एटम्स दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एटम्स व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज एक्ट एज अ पुडिंग, इज एक्ट एज अ पुडिंग, यानी जो हम घर में जो हम उपमा जो बनाते हैं वो अगर हमने अगर प्लेट में अगर लिया उपमा, तो उसमें का जो उपमा है जो हम बनाते हैं प्लेट, यानी वो हो गए स्फेरिकल इन शेप। ओके, सो उसमें जो हम उपमा जो है, उपमा हमारा वो उपमा है, वो उपमा क्या रहता है, इट इज ऑक्युपाइज द होल स्पेस ऑफ द प्लेट,
वो हो गए हमारा पॉजिटिव चार्ज। उपमा जो है वो हो गए हमारा पॉजिटिव चार्ज। और हम उपमा में कुछ ऐसे ग्राउंड नट्स भी डालते हैं, उसको सेंगदाने हम बोलते हैं, ग्राउंड नट्स भी डालते हैं। तो जो ग्राउंड नट्स जो है उपमा पे अगर हमने ऐसे एम्बेडेड अगर किए ग्राउंड नट्स, वो जो ग्राउंड नट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मीन इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट लाइक अ प्लम्स एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइक अ पुडिंग। सो थॉमसन एटोमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लम्स प्लम्स पुडिंग मॉडल, प्लम्स पुडिंग मॉडल, प्लम्स पुडिंग मॉडल। व्हाई द थॉमसन एटॉमिक मॉडल कॉल्ड एज प्लम्स पुडिंग मॉडल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ प्लम्स, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अ प्लम्स एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइक अ पुडिंग। ओके सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, दैट इज द थॉमसन प्रपोज दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन। एंड सो होल एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होल एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके सो थॉमसन ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजिबल जो पहले जो थ्योरी ने कहा था, इन्होंने क्या किया, थॉमसन ने क्या कहा, डिस्कार्डेड किया। अगर इंडिविजिबल अगर पार्टिकल अगर नाउअडेज अगर ये तो पहले तो थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई, हमें अभी भी पता, हमें पता है कि एटम का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन के बाद फिर प्रोटॉन का डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन के बाद फिर न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड हुआ, और बाद में फिर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोसॉन पार्मिसॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड आफ्टर द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो दिस एटॉमिक मॉडल इज इजीली एक्सप्लेन द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स, आयोनिक composition of the compounds, and he also proposed, the Thomson also proposed that positive charge is uniformly distributed. This positive charge cannot be come out of this atom, cannot be come out of this atom. ये uniformly charge जो है positive charge, ये uniformly distributed होने के कारण, उसकी uniform density होने के कारण ये atom के बाहर में आ सकता, लेकिन ये जो electrons है, this electrons can be come out of the atoms, this electron can be come out of the atoms in the form of the radiation, in the form of the radiation means this electron is emitted, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या होगा, इमिशन होगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है इसका भी एक्सप्लेनेशन थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने दिया था। ओके सो दिस इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एंड आफ्टर दैट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दिस एटॉमिक मॉडल इज डिस्कार्डेड अकॉर्डिंग टू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड, और उसके बाद फिर नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी डिस्कार्डेड हुआ है, उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज आई, और बाद में फिर नील्स बोर साइंटिस्ट ने मॉडल प्रपोज किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। हम अगले वीडियोस में ये सब जो मॉडल्स है, जो हमारे जो अभी ये चैप्टर पे जो वीडियोस रहेंगे, हम वन बाय वन सभी एटॉमिक मॉडल का क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपने जैसा रिस्पांस दिया है पिछले वीडियोस में वैसा ही रिस्पांस इसमें भी दिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने की, और जो पिछला रिस्पांस है उससे भी बेहतर रिस्पांस आप देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।